हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को जो है वो हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज 5 कराऊंगी, क्योंकि मैंने 1, 2, 3, 4 करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आप जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। शेयर इज़ केयरिंग होता है, तो आप अपने जो मित्र हैं ना उन तक पहुंचा दीजिए और एक साथ मिलके हमारे चैनल के साथ जो है आप टेस्ट सीरीज़ करिए। जितना वक्त आपको मिलता है फ्रेंड्स, आप अगर वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप अगर घर में हो तो आप सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और काम करिए, साथ में स्टडी करिए। जब टाइम मिलता है तब लगा दीजिए फ्रेंड, तो बार बार सुनते रहने से जो है आपका प्रैक्टिस होगा। और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग आधा वीडियो देख के उसको बंद कर देते हैं, तो आप पूरा वीडियो को वॉच करें, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा होता है कि आप आधा किए और उसके बाद आधा छोड़ दिए, तो वो जो आधा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका छूट जाता है। इसलिए आप जो है वो पूरा क्वेश्चन करिए, पूरा वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट आपका छूट जा रहा होगा। तो आप मेरे साथ जो है, मैं रोज़ वीडियो दो अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, तो उस दोनों वीडियो को फुल वॉच करिए और उसको बार बार करिए फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड हैं कि ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं डीमोटिवेट नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी, क्योंकि ये आपका ओपिनियन है। किसी को मेरा स्टडी अच्छा लग सकता है और किसी को ख़राब लग सकता है, ये सबकी अपनी सोच है। अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, उन सभी फ्रेंड को भी थैंक यू जो अच्छे कमेंट करते हैं, और जो अपने लिए अच्छे करते हैं उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। एक शिक्षक में ये क्वालिटी होनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 5। पहला क्वेश्चन है, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ? तो देखिए, बास्तिल का जो पतन है, ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसका हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को हुआ था बास्तिल का जो पतन है। फ्रांस का जो क्रांति के अनेक कारण थे फ्रेंड्स, जिसमें आर्थिक कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रांस की क्रांति दार्शनिक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था फ्रांस की क्रांति में, क्योंकि बुजुआ वर्ग का क्रांति जो है फ्रांस की क्रांति माना जाता है जो वहाँ पे हुआ था। और फ्रांसी क्रांति के द्वारा प्रथम बार राजतंत्र को विश्व में समाप्त किया गया था। तो किस क्रांति के द्वारा राजतंत्र को समाप्त किया गया था? तो फ्रांस की क्रांति के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो देखिए, संवैधानिक राजतंत्र 1789 ईस्वी में फ्रांसी क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की गई। और 1789 ईस्वी में फ्रांसी क्रांति के बाद गणतंत्र स्थापित किया गया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने गणतंत्र को क्या कर दिया? समाप्त कर राजतंत्र स्थापित कर लिया। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है, जिन्होंने क्रांति का गला घोट दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का आरंभ हुआ कब हुआ था? कृषि का आरंभ तो नवपाषाण युग में हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। कृषि का आरंभ जो है नवपाषाण युग में हुआ था। नवपाषाण काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रारंभ हुआ और नवपाषाण काल में गाँव बस्ती प्रारंभ हुआ था। चाक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। अगर आपको पूछता है कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो हो जाएगा नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो अगर पूछता है आपको सबसे पहले कि धातु का प्रयोग किस काल में हुआ था, तो हो जाएगा नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु जो क्या था? तांबा था फ्रेंड्स, प्रथम धातु तांबा था। मानव द्वारा
आग का प्रयोग पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था, जो पुरापाषाण काल था उसके अंतिम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, अच्छा फ्रेंड अगर आप जो है जैसे ना पाषाण काल का है, सिंधु सभ्यता काल है और ये सब है, अगर इसका देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके एक बार देखिएगा, उसमें आपको हिस्ट्री का ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऐसे होगा, उसको अगर खोलिएगा उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है। और देखिए जो ये हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, इन सब से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता ही रहता है, तो मेरे ख्याल से अगर आप जाके एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा ना तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, तो एक बार आप ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला, ठीक है, तो किस जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या चन्हुदड़ो से, तो इसका हो जाएगा कालीबंगन से। जो जोते हुए खेत का प्रमाण जो है वो कालीबंगन से मिला। फ्रेंड मैं इस वीडियो के नीचे ना लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, तो आप जाके देख लेना, ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी। भारत में अच्छा तो हम लोग ये इस क्वेश्चन पे थे ना 4 नंबर पे, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। कालीबंगन जो है राजस्थान के गंगा सागर जिला में स्थित है, कहाँ है, गंगा सागर जिला में। कालीबंगन से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, और टेराकोटा का हल जो है बनमाली से प्राप्त हुआ है, बनमाली से उत्तम किस्म की जौ मिला है, और मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र की मिला है। फ्रेंड क्या मिला है, सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से, और चन्हुदड़ो मनके उद्योग के लिए विख्यात है। चन्हुदड़ो किसके लिए है, मनके के उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी, तो हरित क्रांति जो है वो 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, आपको इसके पहले भी मैंने बताया था नॉर्मन बोरलॉग को, अगर बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे क्वेश्चन यूं ही आपको याद हो जाएंगे सुन के ही। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 ईस्वी में माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का जन्मभूमि जो है पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है, कौन सा, पंत नगर कृषि विद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 6 नंबर, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों यानी स्टेट में विभक्त था, तो जो फ्रांसीसी समाज था फ्रेंड वो 3 वर्गों में विभक्त था। फ्रांसीसी समाज यानी 3 वर्गों यानी स्टेट जिसको बोलते हैं, 3 स्टेट थे फ्रांस की समाज का, जैसे पहला था फर्स्ट पादरी वर्ग था, ठीक है, पहला क्या था, पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था साधारण वर्ग, ठीक है, साधारण वर्ग, ये 3 वर्ग था। साधारण वर्ग की स्थिति सबसे ख़राब थी, जैसा कि आप जानते हैं जो सबसे ऊपर होता है उसकी स्थिति सबसे अच्छी होती है, फिर बीच वाले आते हैं जो ना तो बहुत ख़राब होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो साधारण को ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, तो फ्रांस में जो है बुर्बो वंश का शासन था, बुर्बो वंश के लुई 16वां के समय फ्रांस के राज्य क्रांति हुई, और स्टुअर्ट और ट्यूटर वंश का संबंध इंग्लैंड से है, स्टुअर्ट और ये जो स्टुअर्ट है और ट्यूटर है इसका संबंध किससे है, तो इंग्लैंड से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8, स्टेट जनरल किस प्रकार की संस्था थी, तो जो स्टेट जनरल थी वो किस प्रकार की संस्था थी, इसका हो जाएगा प्रतिनिधियों की संस्था थी, स्टेट जनरल प्रतिनिधियों की संस्था थी। स्टेट जनरल सभा 1614 ईस्वी के बाद बुलाया गया था, और 1774 ईस्वी में जो लुई 16वां था, लुई 16वां शासक था, स्टेट जनरल की बैठक 5 मई को हुई थी, 5 मई 1789 को आरंभ हुआ, और राष्ट्रीय सभा की बैठक जो है 4 अगस्त, ठीक है, ये आप याद रखना 5 मई को था, और राष्ट्रीय सभा का जो है 4 अगस्त 1789 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, टाइथ किस प्रकार का कर था, तो देखिए टाइथ जो है वो प्रत्यक्ष कर है, कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है।
टाइट किसानों से वसूल किए जाने वाला एक धार्मिक कर है। ये क्या है? धार्मिक कर है। टैक्स फार्मर कर वसूलने में मनमाना करता था और टैक्स फार्मर शोषण का एक माध्यम था। नेक्स्ट, ओ सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टाइट का बता रही थी आपको, ठीक है। तो टाइट जो है, बताई मैं आपको, एक धार्मिक कर था और राष्ट्रीय सभा ने 1789 ईस्वी में टाइट वसूलने पर रोक लगा दिया था। कब? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में सही क्या है? पहला है पादरी राज्य को कर देते थे, दूसरा बुर्जुआ वर्ग कर नहीं देता था, कर वसूलने का काम राज्य के पदाधिकारी करते थे और कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑब्वियसली इसका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे, ठीक है। तो ये कथन क्या होगा, कौन सा कथन सही है? ये कथन सही है, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। टैक्स फार्मर जो है ना, ये ठेकेदार थे फ्रेंड्स। कौन थे? ठेकेदार थे। टैक्स फार्मर कर वसूलने में मन माना करता था, टैक्स फार्मर शोषण का एक माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या तुर्की। तो तुर्की नहीं था, बाकी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो गुप्त नीतियों की संधि जो है वो बिस्मार्क ने अपनाई थी। गुप्त संधियों को बिस्मार्क ने अपनाया और बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण के जनक थे, कौन थे? जर्मनी के एकीकरण के जनक थे। बिस्मार्क प्रशा के प्रधानमंत्री थे और बिस्मार्क 1871 से 1890 तक जर्मनी के चांसलर भी रहे थे बिस्मार्क। गुप्त संधियों से प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, देखिए 1879 की द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? ए इंग्लैंड और फ्रांस, बी जर्मनी और रूस, सी जापान और इटली, डी ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुई थी। 1879 का जो द्वैत संधि था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुई थी। और 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि स्थापित हुआ था। कब? 1882 में। कौन सी संधि? त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि में कौन था? जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ये तीनों थे, शामिल थे। त्रिराष्ट्रीय समझौता जो है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच हुआ। कब हुआ? 1907 में। और 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सुंदर समझौता, जिसको इंटेंट कॉर्डिएट कहते हैं, हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी की भाषा क्या थी? तो जो हंगरी की भाषा आप सभी जानते हैं, मैग्यार थी। क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली और जर्मनी के क्षेत्रों पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं, 15 है, जॉलविन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जो जॉलविन की स्थापना है वो प्रशा ने की थी। जॉलविन की स्थापना प्रशा राज्य के में किया गया था 1834 ईस्वी में। प्रशा में जॉलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई थी। क्या संघ का नाम था? जॉलवेराइन। इस चुंगी संघ की स्थापना से आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गया था। नेक्स्ट है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना जो है वो मेजनी ने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। यंग यूरोप की स्थापना तो 34 में हुआ, लेकिन यंग इटली की स्थापना अगर आपको पूछेगा तो आप 1831 बोलोगे। और यंग इटली की स्थापना में जोसेफ मेजनी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेजनी।
और फ्रांस ऑफ इटली की स्थापना मेजनी द्वारा 1851 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में, कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में किया गया था, यानी कब हुई थी, तो ये 1864 में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना। कार्ल मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी, यानी इन प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। तो अब जैसे जानते हैं थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो कब हुई थी, तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 ईस्वी में मास्क में किया गया था, और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन द्वारा ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। बोल्शेविक क्रांति जो है अक्टूबर कब हुआ था, अक्टूबर 1917 ईस्वी में हुआ। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं फ्रेंड्स। इस क्रांति का द्वारा जो है जाट का शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। 19 में है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो कार्ल मार्क्स और एंग्लेस थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स और एंग्लेस। साम्यवादी इसका डी हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा जो है 1848 ईस्वी में किया गया। दास कैपिटल 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद को वैज्ञानिक आधार द्वारा मानता था। द्वंद्ववाद का संबंध समाजवाद से है, और समाजवाद का प्रायोगिक घर कौन है समाजवाद का, वो रूस है। नेक्स्ट है 20 नंबर, लियोंग किचाओ कौन था, तो देखिए लियोंग किचाओ जो है वो कौन थे, चीनी सुधारक थे। कौन थे, चीनी सुधारक, लियोंग किचाओ। लाओत्से जो है, लाओत्से चीन के दार्शनिक थे। थर थ्रुस्ट ने पारसी धर्म की स्थापना की। जेंद अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र पुस्तक है, और जेंद अवेस्ता की कुछ समानता ऋग्वेद से है। नेक्स्ट 21 देखते हैं, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो हिंद चीन में जो है चीन शामिल नहीं था। हिंद चीन का नाम इंडो चाइना है। हिंद चीन पर फ्रांसीसी उपनिवेश था फ्रेंड, और जो वियतनाम फ्रांस से 1945 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। वियतनाम फ्रांस से कब हुआ था, 1945 में। 30 अप्रैल ठीक है 1975 को एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई थी, 30 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है देखिए, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी, तो जो पहली देसी जूट मिल थी वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो भारत में प्रथम देसी मिल आप जानते हैं कलकत्ता में स्थापित किया गया था, अभी भी वो जूट मिलें हैं कलकत्ता में। भारत में प्रथम जूट मिल जो है 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब हुआ था, 1859 में। भारत का सुंदरबन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और भारत का जूट का जो है 35% सामान विश्व स्तर पर तैयार करता है। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, ये बंगाल में ही है फ्रेंड्स। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। औद्योगिक क्रांति का कौन सा कारण नहीं था, धर्म सुधार आंदोलन क्या था, नहीं था फ्रेंड्स। तो क्या क्या था, पुनः जागरण, सामंतवाद, वैज्ञानिक आविष्कार। तो देखिए औद्योगिक कारण में शामिल थे और भी इसके हैं, तो मैं बता दूँ, पहला तो था भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड की, दूसरा था खनिज की उपलब्धता, तीसरा था कृषि एग्रीकल्चर क्रांति, मजदूरों की उपलब्धता, कुशल कारीगर, राजकीय संरक्षण, जनसंख्या की वृद्धि, परिवहन सुविधा, प्रगतिशील व्यापारी वर्ग और पूंजी की उपलब्धता, ये सभी कारण था औद्योगिक क्रांति के। औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को प्रभावित किया, तो औद्योगिकरण ने जो है शहरीकरण के स्वरूप को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है फ्रेंड, तो जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अधिक शहरों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष तो क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका जो है 25 नंबर, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा, तो शहरों में, हम बोले आपको शहरों में होता है।
ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक शहर में होता है, लेकिन भारत में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? दिल्ली में है। 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व भारत का जो है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में सर्वाधिक घनत्व किसका है? बिहार का है, 1106 यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो फ्रेंड्स इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आप अपने कमेंट्स जो हैं मुझे ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड लोग को भी बताएं मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़े फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ स्टेट सोशल साइंस की प्रिपरेशन ही करवा रही हूँ। और आप जो है एनसीईआरटी का एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप एनसीईआरटी का वीडियो मेरे चैनल पे मैंने करवाया है, नोट्स है, वो पूरे बुक का आपको समय लगेगा, तो नोट्स कम समय में पूरे बुक का शार है फ्रेंड, तो आप उस नोट्स सबको एक बार देख लीजिए अगर आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बिहार बोर्ड का भी करवाया है, तो इस पिछले बार जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा था और हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन था, तो कोई ऐसा नहीं है कि इस बार उसी से ज़्यादा आएगा, तो आप एक बार ज़रूर जाके देखो, ठीक है।